Hello student, today we are going to learn the story about Taro's reward. Before you read, this is a story about the thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. हम जो story सुनने जा रहे हैं वो है तारो के बारे में. तारो एक लड़का था जो अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करता था और उसकी सारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करता था. ठीक है, सो स्टोरी स्टार्ट करें. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked hard, he earned very little money. वो बहुत मेहनत करता था. वो तारो जो है यंग वुडकटर था. वुडकटर यानी जो लकड़ियाँ काटने वाला होता है. वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता था हिल साइड पे. एक लोनली हिल साइड मतलब एक छोटी सी जो माउंटेन जैसा था, हिल थी, वहाँ पर वो रहता था. और वो बहुत मेहनत करता था, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे. यहाँ पर एक वर्ड हमें मिला है चॉप. चॉप का मतलब क्या होता है? कट इनटू पीसेस. हियर इज, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये तारो के मदर एंड फादर हैं और ये तारो. ठीक है, दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन and wanted to give his old parent everything they needed. Because वो एक अच्छा लड़का था और उसे अपने मम्मी पापा को वो सारी चीज़ें देनी थी जो वो दे सकता था. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. क्या हुआ, एक दिन शाम को वो लोग बैठे हुए थे तो वहाँ पर बहुत ज़ोरों से विंड ब्लो करने लगा और जो तारों के फादर थे उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और सभी ठंड से इतने बेहाल थे कि तारों के फादर ने सोचा कि अगर मुझे सेक मिलता. सेक जो है जापान का एक पॉपुलर ड्रिंक होता है और उसको सेक बोला जाता है. ठीक है, जैसे हम लोग चाय वगैरह पीते हैं वैसे वो एक जापानीज ड्रिंक है, पॉपुलर ड्रिंक है. तो इट वुड वार्म मी एंड डू माय ओल्ड हर्ट गुड. उसको लगा कि अगर मुझे एक कप मिल जाता सेक का तो अभी जो मेरी हालत ख़राब है वो मुझे थोड़ा गर्म मिल जाता और मैं अभी अच्छा फील करता, मुझे ज़्यादा ठंडी नहीं लगती. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. यहाँ पर हमें वर्ड मिला है सैडर. सैडर का मतलब होता है सैड, सैडल, सैडेस्ट. हम लोग जो डिग्रीज करते हैं ना वो. ठीक है, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. जैसे भी हम लोग चाय वगैरह पीते हैं वैसा एक ड्रिंक है जापानीज सेक, मैंने बताया आपको, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे उसको लगते थे. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, उसने सोचा कि मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. उसने पहले से ज़्यादा मेहनत करने की सोची. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हुई वो अपने बेड से जम्प्ड आउट बेड मतलब जल्दी से उठ गया और वो जंगल में चला गया. वहाँ पर जाके उसने क्या किया, बहुत सारे पेड़ जो हैं उसे काट के रखे और जैसे जैसे सन क्लाइम मतलब सूरज ऊपर आता गया वैसे ही उसको गर्मी लगती गई और उसने अपना जो जैकेट है उसे निकाल दिया. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट. उसका मुंह जो है वो सूख चुका था और उसको उसके फेस पे उसके बॉडी पे बहुत सारा पसीना आ रहा था. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. मेरे पुअर फादर, अभी अगर मैं जितना गर्म हूँ उतना काश वो हो पाते, वो ऐसा सोच रहा था. एंड विद डैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैनस बोन. उसने सोचा कि मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मैं एक सेक परचेस कर पाऊँगा जो मेरे ओल्ड फादर को गर्मी देगा. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. वॉट वॉज दैट साउंड ही जस्ट हर्ड. उसने सोचा कि अभी जो मैंने साउंड सुना वो कौन सी साउंड थी. कुड इट बी पॉसिबल दैट रशिंग वाटर. क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई पानी निकल रहा है. तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग
और हियरिंग द रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसने पहले कभी ऐसा वाटर के बारे में सोचा नहीं था कि यहाँ से कोई झरना निकल रहा है। स्ट्रीम का मतलब होता है छोटा सा झरना। ही वॉज थर्स्टी, उसे प्यास लगी थी। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इनटू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसके हाथ से जो कुल्हाड़ी थी उसकी एग्स वो छूट गई और वह भागते हुए कहाँ गया, जहाँ से ये झरना बह रहा था वहाँ पर जो आवाज़ आ रही थी। डायरेक्शन ऑफ द साउंड का मतलब होता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी वहाँ पर वो चला गया। तारो सो अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, उसने क्या देखा कि एक छोटा सा वाटरफॉल जो है वो पहाड़ों के बीच से, एक बड़े से पहाड़ पत्थर के बीच में से निकल रहा है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ही कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने थोड़ा सा उसमें से पानी लिया और अपने हाथों को कप के जैसा करके फिर उसने वो पिया। वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक, क्या वो पानी था या तो फिर वो सेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसको चख के टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज इट अ डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, बट वो कोल्ड वाटर की जगह पर क्या था, डिलीशियस सेक जिसे वो बाय करना चाहता था, है ना। तारो क्विकली फील्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, उसने फौरन से अपने पास जो पिक्चर था, पिक्चर क्या होता है, यूजुअली एक पॉट होता है जो मर्ड से बना हुआ होता है, हम लोग अर्थन पॉट जिसे कहते हैं। जब पहले के ज़माने में पानी या फिर हम जो बॉटल पीते हैं वो नहीं मिलती थी, तो लोग अपने साथ ऐसा पिक्चर रखते हैं जिसको कैरी करने में आसानी हो। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, उसने वो पिक्चर था वो पूरा भर लिया और भाग के कहाँ गया, घर पे गया। घर पे गया और उसके पापा को पिलाया, तो जो उसके पापा थे ओल्ड मैन, वो बहुत ही उसको पी के बहुत ही खुश हुए। यहाँ पर देखिए आपको ये पिक्चर दिख रहा है जो अपने साथ वो कैरी करके घर पे भाग रहा है तारो, ये जो है अपना, है ना। उसके पापा ने वो जो ड्रिंक पिया, देन उसको बहुत ही खुशी हुई उसको पी के। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, थोड़ा सा उसने स्वेलो किया। स्वेलो का मतलब होता है गले से नीचे कोई चीज़ उतारना, ठीक है। तो जैसे ही उसने वो लिक्विड पिया तो वो शिवरिंग जो उसका था वो स्टॉप हो गया और वो डांस करने लगा। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, वहाँ पर एक नेबर आई और अपने विजिट के लिए वहाँ पर स्टॉप हुई। तारो फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक, तारो के फादर ने उसको सेक का एक कप ऑफर किया, जैसे हम लोग चाय पानी वगैरह पूछते हैं जब अपने घर पर कोई आता है। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, ग्रीडीली का मतलब क्या होता है, वो लालची तरीके से उसको पी गई। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, उसने ओल्ड मैन को थैंक यू बोला। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, थिंकिंग ऑफ फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उसने डिलीशियस ड्रिंक जो उसको पीने को मिला उसके लिए थैंक यू बोला। और सी लेफ्ट इन अ हरी, वहाँ से जल्दी से चली गई। बाय द नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, उसने पूरी रात में ये जो स्टोरी थी वो पूरे गाँव को सुना दी। दैट इवनिंग There was a long procession of visitors to the woodcutter's house. वहाँ पर लंबी कतारें थी, कतारें थी किसकी, जो विजिटर्स थे उसकी, बिकॉज वो लेडी थी उसने पूरे गांव में बात बता दी थी कि तारो के घर पे बहुत डिलीशियस सेक है। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. पूरे जो लोग वहाँ पर आए थे उसकी वजह से जो पूरा पिचर भरा हुआ था वो ख़त्म हो गया विद इन एन आवर। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वॉक इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, उसने अपने साथ बड़ा सा जो पिक्चर घर का था वो अपने साथ ले लिया। हाउ ही इंटेंड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, वैन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज All his neighbors there. उसने waterfall पर जब वो पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर पूरे उसके जो neighbors थे वो जमा हो चुके थे। They were carrying pitchers, jars, bucket, anything they could find to hold the magic sake. वो अपने साथ जो bucket लेकर आए था, कोई अपने साथ jars लेकर आया था, pitchers जो बड़े बड़े थे वो लेकर आया था, सब अपने साथ वो magic sake को ले जाना चाहते थे। Then one village knelt
एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. उसने अपनी जो वाटरफॉल था वहाँ पर अपना माउथ रखा और पीने के लिए उसको नेल का मतलब थोड़ा सा झुका. ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली वाटर नथिंग बट वाटर. उसने वो पानी पिया और चिल्लाया कि ये पानी है, सिर्फ वो पानी है. Others also tried, but there was no sake, only cold water. सबने ट्राई किया पर वो पानी था, सेक वहाँ पर नहीं था. देखिए यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये सब जो है वाटरफॉल के पास खड़े हैं और सब अपने साथ देखो कितना बड़ा बड़ा झाड़ वगैरह सब लेकर आए हैं, है ना. और ये तारो है अपना जो छुपके ये सब देख रहा है, ये है अपना वाटरफॉल, ठीक है. तो सब लोग वहाँ पर लाइन में खड़े थे और ये बारी बारी से वाटरफॉल से सब भर रहे थे. We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in the waterfall. In this waterfall. Taro किधर है? उसने हमारे साथ एक ट्रिक की है, वो हमारे साथ झूठ बोला है, तो वो कहाँ है? चलो उसको लेकर आते हैं और इसी वाटरफॉल में उसको डुबाते हैं. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. Taro जो था वो रॉक के पीछे, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, वो सरक गया. Then क्या हुआ? When he saw how things were going, he was nowhere to be found. जहाँ पर देखा उसने कि इतने सारे लोग जो हैं वो एंग्रीली उसको ढूंढ रहे हैं, तो वो वहाँ पर जाके छुप गया. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. जैसे ही वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से थे, वो अनक्लियरली कुछ मटरिंग का मतलब होता है कुछ बड़बड़ा रहे थे, और गुस्से में कुछ बड़बड़ा रहे थे और वहाँ से डिसअपॉइंट होके वो लोग वहाँ से चले गए. जैसे ही वो प्लेस खाली हो गया, तारो केम आउट फ्रॉम द हिज हाइडिंग प्लेस. वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड. क्या वो सच था? उसने सोचा. वॉज द सेक अ ड्रीम? क्या मुझे वो सपना आया था कि यहाँ पर सेक का जो है पूरा वाटरफॉल है? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. उसने थोड़ा सा लिक्विड वहाँ से लिया और अपने होठों पे रख के उसको पिया. इट वॉज द सेम फाइन सेक. वो सच में वो एक सेक ही था. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक. अब जो प्यारा बच्चा था जो अपने मम्मी पापा के बारे में सोच रहा था, उसके लिए वो वाटरफॉल मैजिक बन गया था और उसने डिलीशियस सेक उसको देना शुरू किया था. टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. सबके लिए वो क्या था? सिर्फ एक पानी का झरना था. द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान. ही सेंट for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. A Japanese story retold. ये एक जापानी story है, जैसे तारों की स्टोरी धीरे धीरे करके सब सबके पास होते हुए वहाँ का जो राजा था, एम्परर था, उसके पास पहुँची. तो उसने जो यंग वुड कटर था उसको 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, उसने गोल्ड के पीसेस दिए और वहाँ पर उसको अच्छे और अपने मम्मी पापा के साथ अच्छा सा बिहेव करने के लिए उसका जो बहुत ब्यूटीफुल फाउंटेन था सिटी का, उसको तारों का नाम दिया, ठीक है. सो उसने ये ऐसा क्यों किया? बिकॉज वो अदर चिल्ड्रन को इनक्रेज करना चाहता था कि अपने मम्मी पापा को ऑनर करो और उसको उसकी सारी बात मानो, यानी कि उसको ओबे करो. ओके, आप लोग करते हो ना ऐसा, मम्मी पापा की बात मानते हो ना?